Welcome back to Auto Journal India. How is our family doing? I hope you all are doing good. Today we have with us the i20. i20 की थोड़ी स्पेशल वेरिएंट है, लेकिन पहले आप देख लो, ये है i20 जो कि 2019 में मिल जाती थी हमें अगर हम 10 टू 11 लाख स्पेंड करने का प्लान कर रहे हैं हैचबैक के लिए। तो थोड़ा सा आप आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड में 2021 के मॉडल पे। दिस इज़ द i20 N लाइन। Top of the line, and this particularly is the IMT. अब आप अगर 11 to 14 lakh के around invest करते हो तो आपको ये मिल जाएगी Hyundai की तरफ से। The i20 has definitely grown very mature, looks wise, driving wise, and overall बहुत ज़्यादा इसमें refinement आ चुकी है। जैसे कि Bollywood में आपको Filmfare का award मिलता है, वैसे ही car के दुनिया में आपको iQuity का award मिलता है। So this one is the star. एंड iQuity अवार्ड इसको मिल चुकी है 2021 की। तो डेफिनेटली कुछ तो स्पेशल है इस कार के बारे में, और ये कुछ देखते हुए Hyundai ने सोचा क्यों ना अपना फर्स्ट जो N लाइन मॉडल आते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार आता है, उसको फर्स्ट हम लोग Hyundai के i20 में क्यों ना लॉन्च करें। तो इसलिए हमारे पास i20 N लाइन, दिस इज़ द फर्स्ट N लाइन डिवीजन जो Hyundai की तरफ से आती है इंडिया में। और भी वी होप और भी कार्स ऐसे आए N लाइन वेरिएंट वाले। N लाइन में मेनली कॉस्मेटिक अपडेट्स आते हैं और कुछ मैकेनिकल अपडेट्स आते हैं। जो कॉस्मेटिक अपडेट्स है वो आप ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में देख लोगे, प्रवीण ने वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको देखना है मैकेनिकल चेंजेस क्या है, तो अब हम लोग आज देखने वाले हैं मैकेनिकल अपग्रेड्स क्या क्या हैं। मेनली इसके ब्रेक्स में अपडेट्स आ गए हैं, ये चारों डिस्क मिलते हैं कॉस्मेटिक अलावा। आप बाहर से भी नोटिस कर पाओगे डिस्क ब्रेक्स जो कि चारों में हैं। कुछ चीज़ें आप नोटिस नहीं कर पाओगे जो कि अंदर पे काम किया गया है, सस्पेंशन पे, स्टीयरिंग व्हील पे, इसके राइडिंग डायनामिक्स पे काम किया गया है, वो सब कुछ हम लोग चला के बताएंगे। एंड जो बहुत सुनने में अच्छा लगता है वो है एग्जॉस्ट नोट, तो वो थोड़ा सा अच्छा हो चुका है, रिफाइंड नहीं कहोगे आप, उसमें रॉनेस डाल दिया गया है। तो N लाइन जब आप बोलते हो इस कार को, तो एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिराइव्ड कार आपको एग्जॉस्ट जरूर महसूस कराएगा। तो जल्दी से जंप करते हैं अंदर और देखते हैं कैसी चलती है ये कार, हाउ इज़ इट टू ड्राइव। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ड्राइव रिव्यू, ड्राइव इम्प्रेशन। सबसे पहले जब मैं इस कार में बैठा, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, एंड डेफिनेटली वो जो लुक आ रहा है ओवरऑल, आई एम सिटिंग हाई अप, अच्छे से मेरे को दिख रहा है, चारों तरफ का विजिबिलिटी अच्छा है, साइड व्यू मिरर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, डिज़ाइन वाइज भी बहुत अच्छे हैं। एंड वन थिंग सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया वो है इसके स्टीयरिंग व्हील्स में काफ़ी वेट ऐड अप हो जाता है, अच्छे से वे कर रहा है, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है। मैं आपको दिखाता हूँ, Hyundai की कार में इतना वेट अभी तक मैंने नहीं देखा था, एंड बहुत अच्छे से अपने को सेंटर कर ले रहा है। सो सेंटर में स्पेशली पोजिशन अच्छे से किया जा रहा है। मैं अभी यू टर्न लेता हूँ, बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है देखने में कि यू टर्न के बाद कार खुद से सेंटर को पोजिशन हो रही है या नहीं, तो मैंने छोड़ दिया एंड सेंटर को पोजीशन हो जा रहा है। तो स्टीयरिंग का जो काम किया गया है मैकेनिकल अपग्रेड्स में वो बहुत ही अच्छा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट अपडेट जो कि है आपका सस्पेंशन का, तो वो मैंने नोटिस किया थोड़ा फर्म हो चुका है एंड एक स्पोर्टी कार को बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है, स्पोर्टी अग्रेसिव ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। एंड ऑल दो मतलब छोटे छोटे पॉट होल्स जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा फिल्टर हो जाएगा केबिन के अंदर, वो नो डाउट वो रहेगा, बट अगर आप स्पोर्टी इंजन के लिए जा रहे हो, स्पोर्टी कार के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ड्राइविंग डायनामिक्स इंजॉय करते हो तो आपको वो पॉट होल्स महसूस भी नहीं होगा। अच्छे रोड्स पे बहुत अच्छा कंपोजर है, बहुत अच्छे से सेटल होकर चलती है ये कार, हाईवे पे भी बहुत अच्छा स्टेबिलिटी रहा। सो दीज आर द बेसिक अपग्रेड्स। सस्पेंशन का बात कर लिया मैंने एंड आपको स्टीयरिंग का मैंने बता दिया फीडबैक। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, चारों डिस्क आ जाता है और बाइट जो आता है ब्रेक्स का, पहले उतना स्पॉन्जी हुआ करता था, अब ब्रेक्स के बाइट्स थोड़े अच्छे हैं, थोड़े और इंस्पायरिंग है कि आप हाई स्पीड पे भी आप ब्रेक ले पाओगे। यहाँ पे एक ब्रेकर है और ब्रेकर पे एज सच ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि दिस कार इज़ नॉट दैट टॉल, तो आपको बॉडी रोल तो छोड़ ही दो,
ओवरऑल मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो आपको कंपोजर बिल्कुल मिलेगा. ऑन दैट फ्रंट इट इज़ रियली गुड. गियर बॉक्स जो है ये पर्टिकुलर कार का IMT गियर बॉक्स है और मैंने अभी इसको 0 to 100 टेस्ट करने का कोशिश किया था. मेरे को मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट. DCT इज़ द ऑप्शन विच आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अगर आप इनलाइन ले रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉची हो जा रहा है. ऑल द ह्यूंडई के गियर बॉक्स बहुत अच्छे हैं. अभी स्लो स्पीड में मूविंग ट्रैफिक में मेरे को गियर बॉक्स से कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन अगर हाई स्पीड में आप चेंज करने का कोशिश करोगे तो थोड़ा सा लैगी हो जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है. ओवरटेक्स इस कार में आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आने वाला है, बहुत ईजीली ओवरटेक कर लोगे. पुश करो एक्सेलरेटर और आपको पंच मिलता है अच्छा सा, एंड क्योंकि स्टीयरिंग बहुत अच्छा है तो आपको मज़ा आएगा ओवरऑल ड्राइव करने में, इस कार को मज़ा आने वाला है. गियर बॉक्स से मैं बात कर रहा था, तो IMT जो गियर बॉक्स आता है वो N6 और N8 दोनों वेरिएंट में आता है. N6 वेरिएंट का प्राइस आपका स्टार्ट हो जाता है 11.18 लाख्स ऑन रोड, और N6 में आपको DCT नहीं आता है. जो गियर बॉक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ लेने के लिए वो N6 में नहीं आता है, तो बेटर होगा आप N8 का DCT वेरिएंट लो. एंड जो प्राइस है DCT N8 का वो आपको टॉप ऑफ द लाइन 14 लाख के अराउंड, आपका जो भी कोई स्टेट में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग रोड प्राइस कोई कहीं पे 14 लाख के अप्रॉक्स आना चाहिए. वी टॉक्ड अबाउट द प्राइसिंग, नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन. सो दिस इज 1 लीटर 3-सिलेंडर यूनिट एंड दिस इज नोन एज टर्बो GDI इंजन. इसका जो पावर है वो 120 BHP पावर जनरेट करता है और इसके टॉर्क आउटपुट 170 Nm टॉर्क है, अच्छा है. और ये इंजन ऑलरेडी बहुत फेमस है. फेमस क्यों है? क्योंकि ये वेन्यू के वजह से फेमस हो गया है. वेन्यू में आपको ये इंजन ऑप्शन आता है एंड सरप्राइजिंगली डीजल वेरिएंट से ज़्यादा बिकने वाला है ये. तो 40% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ वेन्यू इज कंप्राइज्ड ऑफ द टर्बो इंजन. सो Hyundai ने देखा यहाँ पे, बहुत अच्छे से इन्होंने नोटिस किया कि जो सेट ऑफ बायर्स हैं एंड जो प्रेफरेंस है बायर का वो अब चेंज हो रहा है विद टाइम. द प्रेफरेंस इज डेफिनेटली गोइंग टूवर्ड्स अ मोर रिफाइंड, मोर अग्रेसिव एंड बेटर ड्राइवेबल इंजन. सो इसलिए आपको वेन्यू में आप देखोगे 40% कंप्राइज करता है ये इंजन ऑप्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस डीजल में आपको 30% कंप्राइज करता है. अब बाकी पेट्रोल लेने वाले हैं वो पेट्रोल लेते हैं जिनका रनिंग कम है. मैंने बात कर लिया इस इंजन ऑप्शन का. इंजन अगर मैं रेव करके बताऊं, अभी मैं सेकेंड गियर पे हूँ, 6300 RPM तक अच्छे से रेव करता है और जो साउंड है वो लोअर RPM पे अच्छा नहीं पता चलता है, लेकिन ओवरऑल आपको जब हाई RPM पे आप रेव करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा इसका साउंड क्वालिटी फील होगा. आपको एग्जॉस्ट नोट का वो जो रंबल तो नहीं आता है एज सच, लेकिन जो एग्जॉस्ट नोट का ट्यून है वो आपको पसंद आने वाला है. हॉर्न का बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एग्जॉस्ट का बात किया तो इसका भी साउंड का बात करना चाहिए. हॉर्न्स आर गुड, बट जो क्रेटा वाला हॉर्न था वो वाला पावर कहीं ना कहीं लैगिंग है, तो उतना पावरफुल मुझे नहीं लगा, बट स्टिल इट इज़ गुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एल्स Hyundai कुड हैव ऑफर्ड इस इनलाइन वेरिएंट में. इनलाइन वेरिएंट में मेरे को लगता है पर्टिकुलरली ये जो डिस्प्ले है, दीज आर गुड्स, कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन थोड़ा स्पोर्टी फील के लिए जैसे मैंने आज रेड टी शर्ट पहना है, ऑल दो कोई BHP या टॉक या कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ एक स्पोर्टी फील आपको ज़रूर देता है. एक स्पोर्टी कार चलाने जा रहा था तो स्पोर्टी लुक भी होना चाहिए. वैसे ही एक स्पोर्टी लुक यहाँ पे अगर होता इसके MID में तो बहुत अच्छा लगता. इवन दिस वन लुक्स डिसेंट, दिस वन लुक्स नाइस. रेड इंसर्ट हर जगह है, वो भी अच्छा लग रहा है. अर्गोनॉमिक वाइज मेरे को कोई इशू नहीं हो रहा है. एक फिजिकल बटन यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल के लिए होता तो वो एक एडेड एडवांटेज होता. यहाँ पे मेरे को इससे टॉगल कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे जो ऑप्शंस हैं उसके थ्रू, लेकिन को पैसेंजर के लिए एक बेटर टच हो सकता था या फॉर द ड्राइवर्स ऑल्सो ईजिली आप टर्न करके नॉब को बंद कर सकते हो. सो दिस इज़ वन थिंग. एक अच्छा चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो है इसके जो चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग पैड्स हैं ये कूल्ड भी हैं, कूलिंग फंक्शन के साथ आते हैं तो आपके मोबाइल को हीट नहीं होने देंगे. सो ये एक अच्छा टच है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बात कर रहा था और क्या अच्छा हो सकता था, तो डेफिनेटली द वेरी मच नीडेड थिंग एक इनलाइन वेरिएंट में वो मैनुअल ट्रांसमिशन है. मैनुअल ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग रहता. मैंने और भी हॉट हैच चलाया है, पोलो GT TSI चलाया है.
सो इट इज़ अ वेरी गुड इंजन. मैंने DCT चलाया था, बहुत ही पंच अच्छा आता है. लेकिन DCT इंजन से एक कंप्लेन है कि वहाँ पे आप व्हील स्पिन करके जो एक्स्ट्रा सर्ज ऑफ पावर इनिशियल पिकअप जो होता है वो नहीं मिल पाएगा आपको. आपको थोड़ा सा लैग रहता है, जैसे आप ब्रेक छोड़े तो व्हील स्पिन नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगा के. इस केस में IMT थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे व्हील स्पिन हो जा रहा था ट्रैक्शन कंट्रोल AC ऑफ करके, कि 2000 पे रेव लिमिटर था, लेकिन फिर भी व्हील स्पिन कर पा रहा है, थोड़ा अग्रेसिव लॉन्च हो पा रहा है. बट ये सारा लॉन्च का मज़ा फेल हो जा रहा है जब आपको टाइम लग जा रहा है गियर को चेंज करने में, गियर को शिफ्ट करने में. और एक चीज़ ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो सकते हो ये गियर के साथ, तो आपके ओवरऑल ड्राइविंग को वो मज़ा नहीं दे पाएगा IMT. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने बात किया क्या इम्प्रूव हो सकता था, तो तीन चीज़ मैंने इम्प्रूव करने के लिए बोला, कलर एंड देन आपका नॉब्स होता एक फिजिकल कंट्रोल के लिए, रेसिंग इंस्पायर्ड MID कंसोल मैंने बोला था. और इतना प्राइस पे कर रहे हो, ऑलमोस्ट 14 लाख पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रीमियम फीचर लाइक वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर करने चाहिए थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ड्राइव मोड्स, एडेड ड्राइव मोड्स, मतलब एन लाइन कार ले रहे हो आप, एन लाइन कार चला रहे हो, तो जैसा आपको अल्काज़ार में मिल जाता था वैसा ड्राइव मोड स्विच करने के लिए रहता कि हाँ आप स्पोर्ट्स मोड स्विच किए हो, तो वैसा MID पे थोड़ा सा थीम आ जाता और आपको एक्स्ट्रा पंच, एक्स्ट्रा विजुअल ड्रामा, एक्स्ट्रा सर्ज ऑफ पावर भी महसूस करने में मज़ा आता. इसके अलावा मैं एक और बात करूँ, अग्रेसिव प्राइसिंग किया जा सकता था इस कार का, क्योंकि ये कार बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लोग को, मतलब मैं देख रहा हूँ. सो दिस कार इज़ डेफिनेटली अ हेड टर्नर, लोग देख रहे हैं इसको मुड़ मुड़ के पीछे. तो यहाँ पे अग्रेसिवली थोड़ा पॉइंट करते तो जो न्यू बायर्स हैं और न्यू जनरेशन हैं वो डेफिनेटली इस कार को और अच्छे से रिसीव करता. तो ये सारा कुछ इम्प्रूवमेंट फ्रंट पे मैंने बात कर लिया. एंड अगर आप पूछो मेरे से हाउ डिफरेंट इज़ इट फ्रॉम द प्रीवियस जन i20, तो मैं ऑलरेडी एक i20 ओनर रह चुका हूँ एंड मैं आपको बता सकता हूँ प्रीवियस जन i20 वॉज अ वेरी गुड कार. आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विथ इट एंड इवन दिस कार टेक्स दिस लेगेसी अहेड. और जैसा कि आपने सुना होगा तो दिस इज़ वन गुड फीचर, IMT में थर्ड गियर पे हूँ मैं, तो शिफ्ट डाउन का एक इंडिकेटर आ रहा है. बस मैं एक यू टर्न ले लेता हूँ, उसके बाद फिर बातें कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, रेड लाइट हो गया तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ वापस. तो मैं बता रहा था आपको कि मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस i20 ओनर हूँ, मेरे को i20 से कोई कंप्लेन नहीं रहा है. पेट्रोल इंजन में वो ऑफ़र किए जाते थे, मैंने पेट्रोल इंजन एस्टा रखा था, बहुत अच्छी कार है, कोई कंप्लेन नहीं हुआ है मेरे को आज तक. यू शुड ऑलवेज गिव वे टू एम्बुलेंस एंड इट माइट सेव अ लाइफ. आई होप दिस गाय इज सेफ. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं एक i20 ओनर रह चुका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपने i20 से. वैसा ही कुछ लेगेसी यहाँ पे ये कार भी प्रोवाइड करने वाला है. Hyundai एक बहुत अच्छा ब्रांड है, एक रिलायबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा ब्रांड है. एंड सो अगर आप कोई Hyundai कार लेने का प्लान कर रहे हो तो वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड SAS Hyundai अर्जुनगंज. एंड दीज गाइज आर रियली वेरी नाइस और हम डू लेट देम नो दैट यू हैव कम फ्रॉम आर रेफरेंस सो दैट यू कैन गेट सम एडेड बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स, एडेड बेनिफिट्स. सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट Hyundai आर वेरी रिलायबल, Hyundai इंजन इज वेरी इशू फ्री एंड मेंटेनेंस भी कम है. यहाँ पे अब मेंटेनेंस की बात अगर करें तो एन लाइन में क्या आपको कुछ एडेड मेंटेनेंस का ज़रूरत है क्या? सो नो, डेफिनेटली नो. जो ऐसा आपका टर्बो इंजन का मेंटेनेंस हो रहा है वैसा ही कुछ इसका भी रहेगा. कुछ एडेड मेंटेनेंस का इशू आपको नहीं होना चाहिए दिमाग में कि एन लाइन ले रहे हैं तो मेंटेनेंस में इशू आएगा. मैं एक रेव करके दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा एक्सेलरेट करके देखते हैं. थोड़ा सा ट्रैफिक है, नहीं तो ये ओपन रोड पे इसको चलाने का इनिशियल पंच जो मैं बोल रहा हूँ, इनिशियल पंच बहुत अच्छा है, मिड रेंज में अच्छा है, टॉप एंड थोड़ा सा लैग करता है. नाउ हाउ इकोनॉमिकल इज दिस, बिकॉज बहुत लोग पूछेंगे माइलेज क्या है. तो माइलेज ऑल द Hyundai क्लेम्स दैट इट गिव्स अ माइलेज ऑफ अराउंड 20, बट देन रियल लाइफ फिगर्स अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत अच्छे से आप चला रहे हो एक हाईवे पे तो फिर वहाँ पे आप समवेयर 17 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो. सिटी में 12 टू 13 का एवरेज मान लो आप, तो ये आपको माइलेज मिल जाएगा इस कार से. लेकिन मोस्टली जो लोग लेंगे इस कार को वो माइलेज नोटिस नहीं करेंगे क्योंकि एक स्पोर्टी कार है और फुल कार इंथूजियास्ट वाले फील में स्पोर्टी
ड्राइव करने में इसको मजा आया, तो थोड़ा सा ड्रॉप तो डेफिनेटली होगा वहाँ पे आपका माइलेज। लेकिन एक और चीज़ जो मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि हाउ वेल डज इट कंपेयर विद द राइवल्स, सो लेट्स टॉक अबाउट अल्ट्रा आई टर्बो और लेट्स से बलिनो का आरएस या फिर पोलो जीटी। पोलो जीटी हैज़ बीन द बेंचमार्क फॉर हॉट हैच एंड इवन नाउ, मतलब डेफिनेटली ये कार फीचर्स और इतना अच्छा डायनामिक लुक्स और जो एडेड मैकेनिकल एडवांटेज जो इसका एग्जॉस्ट नोट हो गया, स्टीयरिंग का स्टीयरिंग और एग्जॉस्ट नोट डेफिनेटली बेटर है पोलो जीटी से, लेकिन जो वहाँ पे पंच है डीएसजी गियरबॉक्स का वो कहीं ना कहीं इसमें नहीं मज़ा आ पाया। लेकिन चलाने में इवन दिस कार इज़ गुड, डीसीटी में यू कैन डेफिनेटली क्लोज योर आइज एंड गो फॉर इट, बेटर पैकेज है ओवरऑल एंड मेंटेनेंस का भी इशू नहीं है, तो डेफिनेटली इट्स टॉपिंग द लाइन। क्योंकि जब बेंचमार्क को ये पीछे छोड़ दे रही है तो नीचे वाली कार्स का मैं बात ना ही करूँ तो अच्छा होगा। अल्ट्रोज आई टर्बो भी मैंने चलाया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अल्ट्रोज आई टर्बो में दिक्कत की बात ये है कि पिकअप उतना अच्छा नहीं है, रिफाइनमेंट इंजन का उतना अच्छा नहीं है। तो विद दिस आई थिंक आई हैव हेल्प यू आउट विद द बाइंग डिसीजन। अगर बाइंग डिसीजन में आपको कोई इशू आता है तो कोई भी कार हो, ज़रूरी नहीं है ये हॉट हैच का ही बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी कार हो अगर आप प्लान कर रहे हो लेने का और आप कन्फ्यूज हो तो रीच आउट टू अस, DM करो हमें इंस्टाग्राम पे, टेल योर क्वेरीज। ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू द नंबर विच इज़ शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, सो यू कैन कॉल अस एनी टाइम, विल हेल्प यू विद द बाइंग डिसीजन। कार कंसल्टेंसी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, DM कर सकते हो। नाउ वन लास्ट राउंड थोड़ा सा एक्सेलरेशन वाला, सो दैट यू गाइज एन्जॉय द फील ऑफ N-Line। रिवर्स कैमरा ऑन कर देता हूँ मैं, ये भी एक अच्छा व्यू आता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अभी मैं रिवर्स में नहीं हूँ, जैसे मैं रिवर्स में हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है दो व्यू का, सो इवन दिस इज़ अ गुड टच। आपको एकदम देखना है नीचे क्या है तो वो भी आपको व्यू दे रहा है, सो अ नाइस टच बाय Hyundai। सो AC इज़ ऑफ एंड ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ ऑफ, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक। रेव करते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ नहीं है क्या, एक सेकेंड, या नाउ इट इज डिसेबल्ड। यहाँ पे थोड़ा सा लैग है, थोड़ा सा टाइम लेता है, नॉची हो जाता है गियरबॉक्स हाई एंड में। ब्रेक्स बहुत ही रीअस्योरिंग से फील देते हैं आपको, बहुत ही पावरफुल हैं। सो ओवरऑल अ वेरी ग्रेट पैकेज फ्रॉम Hyundai and definitely a thumbs up from our side to Hyundai for this N-Line. We believe that the N-Line is going to do wonders in the Hyundai's lineup and hum log recommend karenge aapko ek bar zarur ja ke dekho, and if you are planning to get one then go for the DCT, bhulna mat ye baat. So with this we would like to end our video, thank you so much and stay home, stay safe, bye bye.